उपेंद्र कुशवाहा जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लौकुश समीकरण में जब कुशवाहा का मौका आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, लेकिन उत्तराधिकारी की लिस्ट में कई बार नजदीक पहुंचते पहुंचते वो अचानक से पीछे रह गए। 2025 के चुनाव से पहले 243 सीटों पे वो यात्रा शुरू कर चुके हैं और 243 सीटों पे एनडीए को जिताने के लिए प्रयास में लग गए हैं। कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं और नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी उनको बनाएंगे। अगर एनडीए के सरकार में कुछ विशेष होता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता होता है तो उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार के रहते हुए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने लाए, कि जनता दल यूनाइटेड के किसी भी कार्यकर्ता को सरकार का हिस्सा मान करके उनके साथ बिहेव किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात सुनने लायक हो तो कार्य को भी किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में आने वाले 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश समाप्त हो चुकी है। नीतीश कुमार 2025 में चुनाव में लड़ेंगे जरूर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठेंगे अगर जीत जाते हैं तो, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब 2020 में चुनाव जीत करके आए थे एनडीए, तो नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति थी और ये कहा यह जा रहा था, हालांकि लालू प्रसाद ने भी प्रयास किया था कि वो अपनी सरकार बना लें थोड़ा सा दाएं बाएं करके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत थे जिन्होंने अपनी सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा ही बेबाकी से ये बात कही कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर उन्होंने ये पद स्वीकार किया है। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2022 में अलग होते हैं मात्र 2 साल से भी कम समय में, तो वो यही कहते हैं कि उनका कुर्सी छीना जा रहा था, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी ही बातों को। खैर, राजनीति में ये इन सब बातों का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है। आप स्वेच्छा से अगर किसी का दिया हुआ कोई सामान स्वीकार कर लें और अगर मांगता है तो आदमी को तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2020 के चुनाव के बाद ये बात तय किया था कि वो अगला चुनाव लड़ेगी तो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे करके। हालांकि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों की लिस्ट थी, जिस लिस्ट में अधिकांश लोग जदयू के थे। बाकी के दल के लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और चाह रहे थे कि वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर काबिज हो जाए। इसमें सबसे पहला नाम आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के प्रबल सहयोगियों में से 2 थे, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे लालू प्रसाद। उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत अभी तक अपने ही ढो रहे हैं, उनकी विरासत का अभी तक उत्तराधिकारी कोई नहीं आया है, लेकिन लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के साथ चुनाव भी लड़े और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली ही बार में पहुंचे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लौकुश समीकरण में जब कुशवाहा का मौका आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, लेकिन उत्तराधिकारी की लिस्ट में कई बार नज़दीक पहुंचते पहुंचते वो अचानक से पीछे रह गए। एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले 243 सीटों पे वो यात्रा शुरू कर चुके हैं और 243 सीटों पे एनडीए को जिताने के लिए प्रयास में लग गए हैं। शाहबाद से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इसी बीच में तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा 2 प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि जो समाजवादियों की एक पैठ है उसमें नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को ये स्वाभाविक उत्तराधिकारी अपना मानते हैं। इनसे आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रशांत किशोर का नाम आपको नहीं भूलना होगा। प्रशांत किशोर जब 2015 में महागठबंधन को सत्ता में लाते हैं और नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करते हैं, उनके लिए फील्डिंग सजाते हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड करके मैच से ही आउट कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक अधिकार बनता है और नीतीश कुमार ने उनको अपने बगल की कुर्सी जरूर दे दी। बहुत सारा चीज़ दिया, रहने के लिए अपना ही आवास दे दिया, इतना ही नहीं उन्होंने नंबर 2 की कुर्सी भी दी और इतना ही नहीं उन्होंने उनको मंत्री का दर्जा भी दे दिया। प्रशांत किशोर कुछ ही दिनों के बाद बाहर हो गए। उससे पहले आपको पता है कि आरसीपी सिंह 2 नंबर की कुर्सी के प्रबल दावेदारों में से थे। कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं और नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी उनको बनाएंगे, लेकिन वो भी आज कहाँ है सबको पता है।
बात ललन सिंह की करें तो उत्तराधिकारी की लिस्ट में उनका भी नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, ग्राफ उसका भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार पहली बार ही नहीं, एक बार तो आपको याद होगा कि उनको पार्टी से बाहर होना पड़ा था, बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किए थे, उस बीच में नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें भी कहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की भी लालू के तरह बहुत जल्दी भूल जाने की आदत है और अपने ऊपर किए गए हमले और खास करके अपने नज़दीक के लोगों, बाहरी लोगों को नहीं, अपने करीब के लोगों को जो उनके साथ लंबे समय तक रहे हैं उनको फिर से अपने पास बुला लेते हैं। वैसे ही ललन सिंह को भी बुला लिया, वैसे ही आपको मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने श्याम रजक को बुलाया है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नीतीश कुमार ने इधर उधर जाने के बाद भी बुला लिया है। अपने भी नीतीश कुमार इधर उधर होते रहे, जैसे जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, 2014 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, लेकिन उनको भी 9 महीना के बाद हटाना पड़ा। फिर जब कुछ दिन के बाद उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, एनडीए में भी स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि 2020 के चुनाव में अपने हिस्से की 60 सीटें उनको दे दी चुनाव लड़ने के लिए, तो नीतीश कुमार की भी प्रकृति इस तरह की रही है जैसे लालू प्रसाद की भी रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने के बाद कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए लाया गया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। अगर एनडीए के सरकार में कुछ विशेष होता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता होता है तो उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेवारी दी जा सकती है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा भी अब पार्टी से बाहर निकल गए, अपनी पार्टी का विलय करके वो फंस गए थे। इन सब के बाद चर्चा जबरदस्त ढंग से चलने लगी कि अब इसके बाद कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग आधा दर्जन नाम तैरने लगे। शुरुआत संजय जायसवाल से होते हुए सम्राट चौधरी तक पहुंची। संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, इससे पहले आपको पता होगा कि सुशील मोदी का नाम खूब तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में प्रेम कुमार का नाम सामने आ गया था। इन सभी नामों के साथ साथ एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ रही थी और इसी कहानी में नाम आया कई नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को मान रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार के रहते हुए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने लाए, दूसरी तरफ ये लोग भी दबे जुबान में अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, तेजस्वी यादव की तरह, अन्य लोगों की तरह, उपेंद्र कुशवाहा की तरह वो सामने से नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो या अन्य किसी की भी का भी नाम ले लीजिए, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कृपा पात्र होंगे, तभी जाकर के इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। तो यहां बहुत बड़ी दावेदारी नहीं थी लेकिन रेस में ये लोग शामिल थे। अब तो रेस ही समाप्त हो चुका है और इस रेस के समाप्त होते होते आपने एक नाम बड़ी तेजी से सुना होगा, लगातार चर्चा चल रही है चिराग पासवान की। नीतीश कुमार के सबसे बेहतर विकल्प के रूप में चिराग पासवान का नाम चल रहा है, लेकिन ये नाम निरंतर चलते चलते इस बीच में आपने देखा सुना होगा कि मनीष वर्मा का एक नाम आया बीच में। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, आरसीपी के रिप्लेसमेंट हैं। मनीष वर्मा एक्शन में भी आ गए, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया गया, संगठन की जिम्मेवारी भी उनको दे दी गई और वो एक्शन में आ भी गए हैं। उन्होंने आज ही या कल ही कह लीजिए, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि सरकारी कार्यों में सरकारी अधिकारी जनता दल यूनाइटेड के हर कार्यकर्ता को सरकार का हिस्सा मान करके उनके साथ व्यवहार करें। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये अधिकार है। एक तरफ जहां मंत्री तक को शिकायत करनी पड़ती है नीतीश कुमार से कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ मनीष वर्मा ने फरमान जारी कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड के किसी भी कार्यकर्ता को सरकार का हिस्सा मान करके उनके साथ बिहेव किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात सुनने लायक हो तो कार्य को भी किया जाए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ मनीष वर्मा का नाम आया और मनीष वर्मा के नाम आते ही जदयू के भीतर में एक बार फिर से हो हल्ला मचा। चिली पम मचने के बाद अचानक से नाम अशोक चौधरी का सामने आ गया। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के करीबी हैं और अगर दलित कार्ड खेला जाता है तो अशोक चौधरी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ सकते हैं। इस बीच में चिराग पासवान से उनकी कड़ी टक्कर है, लेकिन चिराग पासवान के साथ उनकी ऐसे दोस्ती हो गई है। अब इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये नाम सब चल ही रहे थे, इसी बीच में निशांत का नाम आ गया जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, राजनीति से कोसों दूर हैं, वो मीलों दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम को ला करके ये कोशिश की गई, उनकी पार्टी के भीतर से भी मांग उठने लगा कि निशांत को सामने लाया जाए वरना पार्टी नहीं बचेगी। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर का उथल पुथल
निशांत के आने से रुक जाएगा, ऐसा हमारा भी मानना था। लेकिन निशांत जब अचानक से प्रेम में आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूर दूर तक उनका कोई रास्ता ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं राजनीति से। उनके परिवार और उनके रिश्तेदार भी चाहते थे कि निशांत को गद्दी दे दी जाए, निशांत के हाथ में कमान दी जाए, लेकिन निशांत अब तक तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता गया है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि 2025 के चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अगर पहुंच गए नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो अपने किसी उत्तराधिकारी को ये कुर्सी सौंप देंगे। अब ये कुर्सी किसको सौंपेंगे ये नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान से लेकर के अशोक चौधरी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य कई नाम सामने नजर आ रहे हैं। अगर किसी कारणवश नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं और महागठबंधन की तरफ स्विच करते हैं तो एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि अगर वैसी स्थिति उत्पन्न भी होती है तो नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी से समझौता करेंगे। दिल्ली की गद्दी नीतीश कुमार को दी जाएगी, उसी शर्त में वो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना करके अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री वाली दे सकते हैं, जब नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का और बैठने का पूरा माहौल बन जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार फैसला क्या करते हैं। इन सभी नामों में सभी नाम नीतीश कुमार के सामने हैं। इसमें जीतन राम मांझी भी एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके पुत्र भी मुख्यमंत्री बने, तो दलितों के बीच में भी लड़ाई जबरदस्त है। वहीं मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कुशवाहा का नंबर आया हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के करीब रहने वाले लोगों में से मनीष वर्मा अब उस कुर्सी से थोड़ी दूर हैं, तो नज़दीक है कौन आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने किसको अपने जगह पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हमारी तलाश जारी है, जल्दी ही हम आपको इस पर कोई स्पष्ट सूचना या जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।